जो अभी हमने देखा था पहले वाला एग्जाम्पल, वो रियलिस्टिक एग्जाम्पल था, रियलिस्टिक हैपनिंग होती है, ऐसा होता है। अब मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ और एक थोड़ा सा पैराडॉक्स लेता हूँ। हम कल्पना तो कर ही सकते हैं ना कि हम आसमान से चंद्रमा में उड़ रहे हैं उस तरह से, तो इसी तरह से हम कल्पना कर रहे हैं कि क्या ऐसा अगर होता तो क्या होता। क्या कल्पना कर रहे हैं कि हमारे पास में अर्थ पे दो भाई है रह रहे हैं जो कि ट्विन से जुड़वा है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम दोनों का सेम है, दोनों ट्विन है, ए एंड बी, और दोनों आज की तारीख में यंग हैंडसम जवान 20 साल के बच्चे, और दोनों में से एक एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट है मीन्स वो दूसरे स्पेस पे जा रहा है, दूसरे स्पेस स्टेशन पे जा रहा है या दूसरे ग्रह पे जा रहा है, प्लेनेट पे जा रहा है। और मान लीजिए जो प्लेनेट है उसकी अर्थ से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 20 लाइट ईयर्स है, 20 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस है, 20 प्रकाश वर्ष की डिस्टेंस है। और मान के ए जा रहा है, ओके, ए जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो वेलोसिटी है 0.8 t, लाइट की वेलोसिटी, करीब करीब वेलोसिटी से इतनी तेज स्पीड से वो रॉकेट में स्पेस स्टेशन पे जा रहा है जो कि 20 प्रकाश वर्ष दूर है, 20 प्रकाश वर्ष दूर जा रहा है और वापस यहाँ पर आए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, हमारे पास ऑटोमेटिकली हमने दो फ्रेम क्रिएट कर लिए, कौन कौन से, एक बी का फ्रेम, बी क्या है, अर्थ पर ही है, दैट मींस रुका हुआ है, उसका ए वो मूविंग फ्रेम हो गया, वो जा रहा है वापस आ रहा है, तो ए का फ्रेम अलग हो गया, ए का फ्रेम हो गया एच डैश, बी का फ्रेम हो गया फ्रेम एस, फ्रेम एस के अंदर ये डिस्टेंस कितनी है 20 लाइट ईयर, एन फ्रेम एस दैट इज फ्रेम ऑफ बी, फ्रेम ऑफ बी डिस्टेंस एल नॉट इज 20 लाइट ईयर, 20 लाइट ईयर का मतलब क्या हो गया, 20 × c ईयर्स, ये एल नॉट, ये डिस्टेंस एल नॉट फिक्स, क्यों, क्योंकि बी आपका रुका हुआ है, डिस्टेंस रुकी है तो उसके लिए डिस्टेंस 20 लाइट ईयर। नाउ एल क्या है, एल आपकी ऑब्जर्व लेंथ, किसके द्वारा ऑब्जर्व हो रही है, ए के द्वारा ऑब्जर्व लेंथ बाय ए इन मूविंग फ्रेम, ये अब ए का जो फ्रेम है वो मूविंग फ्रेम हो गया एस डैश, उसको चल रहा है 0.8 t वेलोसिटी चल रहा है, तो उसको लग रहा है मुझे 20 प्रकाश वर्ष नहीं चलना है, मुझे कितना चलना है वो निकाल लेते हैं, तो विच इज इक्वल टू एल इक्वल टू एल नॉट रूट 1 - v² / c² वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, तो यहां पर आया 20 × c, देन रूट 1 - 0.8 / c × c² c से t कैंसिल हो गया, 0.8 का स्क्वायर हुआ 0.64, 1 - 0.64 इज 0.36, 0.36 का रूट निकाल दे तो 0.6, तो ये हुआ हमारा 0.6 × 20 c ईयर्स, विच इज इक्वल टू ये आ गया 12 ईयर्स, सो 12 लाइट ईयर्स, 12 c ईयर्स, सो ए के हिसाब से जो डिस्टेंस है कि 20 लाइट ईयर्स उसको नहीं चलना है, उसको सिर्फ 12 लाइट ईयर्स ही चलना है, 12 लाइट ईयर्स चल के उसको वापस आ जाना है, 12 ईयर्स जाते समय, 12 लाइट ईयर्स आते समय। लेकिन बी के लिए कितना डिस्टेंस हुआ, बी के लिए डिस्टेंस हो रही है ये 20 लाइट ईयर्स, तो बी के अकॉर्डिंग जो टाइम हुआ, टाइम अकॉर्डिंग टू बी, कहां लिखो इसको, लिख लो फटाफट, क्या मेरी फिर नेक्स्ट क्लास भी है, फटाफट इसको लिख लो या फिर आप सुनते रहो बाद में लिख लेना, तो दैट मैं इसको कंटिन्यू कर लो, बोलो बोलो, मैं लिख लूं या आप पहले लिखोगे, सर आप लिख लीजिए, हम लोग सर आप लिख लो, ठीक है थैंक यू, तो मेरी फिर क्या नेक्स्ट क्लास है, और ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी दिक्कत होती है, टाइम पे नहीं लो तो यहाँ पे लोग चिल्लाने लग जाते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि दो कंटिन्यू क्लास है, एक क्लास को ब्रेक होकर दूसरी में ज्वाइन करने में टाइम लगता है। चलिए, तो एल इज इक्वल टू 20 सी ईयर, ये हुआ
लेंथ ऑब्जर्व बाई ए. नाउ अब वापस द टाइम, अब मैं वापस दोनों के लिए टाइम कैलकुलेट करते हैं. टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय ए अकॉर्डिंग टू इन ट्रैवलिंग अकॉर्डिंग टू बी. बी जो घर में बैठा है ना, आप घर पे बैठे हो और आप अपनी बाइक से कहीं बाहर जाके वापस आ रहे हो, तो घर वालों को मालूम है कि भाई 50-30 तो बाइक लेके गया, आधा घंटा जाने में लगेगा, आधा घंटा डिस्टेंस जाना है, आधा घंटा जाने में लगा, आधा घंटा वापस आने में लगा. तो उसी ढंग से बी के लिए ए का टाइम जो कितना लगा, वो जा रहा है 20 light years डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी हमको मालूम है, तो हमको निकालना टाइम. v इज इक्वल टू होता है d बाई टी, दैट मीन्स जो टाइम आया वो हुआ d बाई वी. तो टाइम कितना हुआ, टाइम हुआ डिस्टेंस कितनी 20 t years, डिवाइड बाई वेलोसिटी कितनी है 0.8 t से डिवाइड कर दिया, तो c से c कैंसिल हुआ, पॉइंट ऊपर आ गया, ऊपर हुआ आपका 200 divided by 8. 200 डिवाइड बाई 8 मीन 25 years. तो B के लिए जब ये A यहाँ पर पहुंचेगा उसको 25 साल लगेंगे, 25 साल जाते समय 25 साल आते समय. द टोटल टाइम टेकन बाई A इन कंप्लीट जर्नी According to B is 25 plus 25 which is equal to 50 years. है ना? Like आप अपने घर से बाहर जा रहे हो, मैं यहाँ से अगर दिल्ली जा रहा हूँ, 3 घंटे दिल्ली के जाने के हैं, 3 घंटे वापस आने के हैं, तो 6 घंटे बाद जब मैं वापस घर पे पहुंच चुका तब क्या होगा, जो घर पे जो लोग रह रहे हैं उनकी एज 6 घंटा बढ़ जाएगी. तो जब वो वापस आ रहा है, जब ये वापस आके आपस में गले मिल रहे हैं, उस समय बी की एज कितनी हो गई, 20 साल का तो था ही, उसके हिसाब से 25 साल जाने में लगे, 25 साल वापस आने में लगे, दैट इज द एज ऑफ, देन द एज ऑफ बी. बी की एज कितनी हो जाएगी, 22 था जिस समय वो रवाना हुआ था, उस समय वापस आया जब तक 50, बी की एज कितनी हो गई 70 years. बी को बी 70 साल का पूरा इंसान बन जाएगा जब ए वापस आएगा. तो क्या ए को भी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, नहीं. अभी हमने देखा है ए को डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करनी है, सिर्फ 12 light years. तो टाइम टेकन बाय ए इन ट्रेवलिंग अकॉर्डिंग टू ए, अब मैं ए के लिए कर रहा हूँ, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मेरी नेक्स्ट क्लास के लिए. तो टाइम कितना हुआ ए के लिए, जो अभी हमने निकाला था वो आया था डिस्टेंस, उसके हिसाब से डिस्टेंस कितनी है, उसके हिसाब से डिस्टेंस जो अभी हमने निकाली थी 20 light years. साउंड इको हो रहा है, साउंड इको हो रहा है सर. साउंड इको आपके वहां पे हो रहा होगा, अगर मेरे यहाँ पे होता तो मुझे खुद को सुनाई देता. म्यूट करके अनम्यूट करो सर, ऑडियो क्लियर है. हाँ वो तो म्यूट करके अनम्यूट करो. देन नेक्स्ट, 20 light years डिस्टेंस किसके लिए है, पार्टी का जो आपका जो बी आपका लड़का है उसके लिए. ए के लिए डिस्टेंस 20 light years नहीं है, ये डिस्टेंस रिड्यूस हो गई, कितनी जो अभी हमने निकाली थी 12 light years. तो द टाइम टेकन बाय ए इन ट्रैवलिंग अकॉर्डिंग टू ए, ए के लिए कितना हुआ खुद के फ्रेम के अंदर, उसके लिए टाइम कितना हो जाएगा, वो टाइम आया डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी 12 light years डिवाइड बाय velocity 0.8 t से डिवाइड कर दिया, इसे d कैंसिल हुआ, दैट इज 120 डिवाइड बाय 8, यार पॉइंट है ना, तो ऊपर आया 120 डिवाइड बाय 8 एंड 120 डिवाइड बाय 8 करोगे तो कितना आ जाएगा ये 15 years. ठीक है 15 years, तो उसको लग रहा 15 years जाते समय, 15 years वापस आते समय. सो द टाइम टोटल टाइम टेकन बाय ए इन कंप्लीट जर्नी अकॉर्डिंग टू ए के लिए कितना टाइम हुआ, 15 साल जाने का, 15 साल आने का, कितना 30 साल. यानी कि देन द एज जब वो वापस आएगा तो उसकी एज, एज ऑफ ए कितनी हो गई, 20 साल तो पहले थी, और
दोनों की एज अलग अलग हो गई, बी की एज है 70 इयर्स, ए की एज है 50 इयर्स, दोनों की एज में फर्क हो गया, जबकि दोनों जुड़वा भाई थे, दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अब क्या हुआ, दोनों की एज अलग अलग हो गई, दोनों अलग अलग हो गए। क्यों अलग अलग हो गए, क्योंकि आपका प्रेम चेंज हुआ, प्रेम चेंज होने से ऐसा होता है, और ऐसा होने से क्या हुआ, बी जो है अपना फ्यूचर देख सकता है इन टर्म्स ऑफ ए, सॉरी ए अपना फ्यूचर देख सकता है इन बी, बी के अंदर खुद का फ्यूचर देख सकता है कि 20 साल बाद में वो कितना बूढ़ा और कैसा दिखाई देगा। हम हमारा फ्यूचर किस ढंग से देख सकते हैं, हम कभी भी टाइम को ना तो आगे जा सकते हैं ना ही टाइम के अंदर हम पीछे जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ये पैराडॉक्स है, ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि हमारी वेलोसिटी पॉइंट ए सी तक नहीं जाती है, या उससे आगे या उसके आसपास वेलोसिटी नहीं हो सकती है, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अभी जो मैंने किया, इससे मैंने लेंथ कॉन्स्ट्रक्शन किया, 20 लाइट ईयर्स की जगह डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे पास में 12 लाइट ईयर्स। इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ, मैं लाइट को लेंथ को काम में लेके मैं टाइम डाइल्यूट कर सकता हूँ। टाइम कितना, बी के सॉरी ए का जो टाइम है, ए खुद के फ्रेम है तो स्टेशनरी है, तो उसके लिए तो उसका प्रॉपर टाइम होगा, बी के केस में टाइम डाइल्यूट हो जाएगा। टाइम कितना डाइल्यूट होगा, हम टाइम डायलेशन से भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। वो पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, वो पार्ट आपको करना है, इसी पूरी कैलकुलेशन को आप टाइम डायलेशन से भी समझाना है। टाइम ए के लिए टाइम अलग होगा, बी के लिए टाइम अलग होगा, ए का टाइम प्रॉपर टाइम होगा, बी के लिए प्रॉपर टाइम, बी ऑब्जर्व कर रहा है ए की टाइम को, तो बी का टाइम आपको निकालना होगा, और उस टाइम से जब कैलकुलेशन करोगे आपको रिजल्ट यही मिलेंगे। यानी ए और बी जो जुड़वा भाई थे, अब वो जुड़वा नहीं रहे। तो इस ढंग से इसको थोड़ा सा दो मिनट और बाकी तो समझा देता हूँ। जो हम सुनते थे हमेशा कि जो पुराने जो ऋषि महाराज जो भी लोग थे, वो लोग लाखों हजारों साल तक जिंदा रह सकते थे, कैसे, उनका तो एक अलग तकनीक थी, लेकिन मैं बस एक है ना इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, वो उनकी तकनीक अलग थी। इसमें क्या किया, इसमें अगर मैं लाइफ की वजह से भागने लगता हूँ तो मेरी एज रुक जाएगी, मैं मेरी एज बढ़ना, अगर मैं लाइफ की स्पीड से भागने लग जाता हूँ तो मेरी एज रुक जाती है, मेरा टाइम डाइल्यूट हो जाता है। और मेरा टाइम डाइल्यूट होने का मतलब क्या है, मेरी एज कहाँ से डिसाइड होती है, मेरे अंदर क्लॉक लगी हुई है, हार्ट जो है मेरा क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो पंप करता है, तो उसमें फिक्स है कि मीन आपको 1000 पंप करने के बाद बंद हो जाएगा, या 1,00,000 पंप करने के बाद बंद हो जाएगा। अगर मैं जो पंप है वो मैं बहुत स्लो धीरे धीरे करवा लूँ, अगर मेरा हार्ट धीरे धीरे पंप करेगा तो 1,00,000 जो स्टेशन है, 1,00,000 जो साइकिल है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, सो दैट आई कैन इंक्रीज माई लाइफ, आई कैन इंक्रीज माई लाइफ। तो ये यहाँ पर वो चीज है, आपने टाइम को डाइल्यूट कर दिया, टाइम को लंबा कर दिया, टाइम बढ़ा दिया, या लेंथ का कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ, आप लोगों के लिए मैंने एक प्रॉब्लम दे दी है, ये मैंने अभी बताया है लेंथ कंस्ट्रक्शन से, आपको इसी एग्जांपल को करना है टाइम डायलेशन से, और टाइम डायलेशन का ध्यान रखना, जो ए का जो टाइम होगा वो उसका प्रॉपर टाइम होगा, और बी ऑब्जर्व टाइम को नोट करेगा। अभी हमने क्या किया, बी के अंदर लेंथ प्रॉपर थी, ए ऑब्जर्व कर रहा था लेंथ को, अब इसका उल्टा होगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास का जो होगी उसके अंदर, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, स्पेस चेंज हो रहा है, एक्स वाई जेड चेंज हो रहे हैं, लेंथ चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ना अब बात करते हैं क्या मास भी चेंज होगा। जब हम बात कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की, तो क्या मास भी चेंज होगा, तो कल हमारा है मास वेरिएशन टॉपिक। तो आज की क्लास ओवर करता हूं मैं, एनी डाउट, नो सर। ठीक है भाई, तो इसको आप कर लेना है ना, और जो मैं पूछा उसका जवाब मुझे कल आप मुझे बताना। ओके सर, ओके।